ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है? अनुपात की सहायता से, अनुपात क्या होता है जो हम लोग लेते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, अनुपात यूज में लेते हैं ना, A1/A2। ठीक है, दो तीन कंडीशन होता है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। और तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 ठीक है बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये तीन कंडीशन होता है। इन तीनों कंडीशन से हम लोग अनुपात, ये इसको क्या बोलते हैं, अनुपात का मतलब अनुपात का तुलना करना। ये A1/A2 का अनुपात हो गया, A1/A2 का अनुपात हो गया, ये B1/B2 का अनुपात हो गया। इधर देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो इन तीन अनुपात के सहायता से तुलना करते हुए पता लगाना है कि दिया गया समीकरण संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इन्हीं की सहायता से पता करेंगे। तो सबसे पहला वाला कर रहे हैं, पहले वाले में अगर पूछा जाए A1 क्या होगा, A1 क्या है पहले वाले में? 2। B1 क्या है? -3, साइन के साथ लिखना होता है -3। C1 क्या है? 8। ठीक है, A2 क्या है? 4 हो गया। B2 क्या है? -6 हो गया, ठीक है ना, सॉरी -6 हो गया। और C2 क्या है? 9। C1 और C2 लिखते वक्त ध्यान देना कि या तो C बराबर के इधर हो, दोनों C, या तो C बराबर के इधर हो, अभी C दोनों बराबर के इधर है तभी लिखना है C1 C2। ऐसा नहीं कि एक C इधर है और एक C इधर है और हम C1 C2 लिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। दोनों C को किधर होना चाहिए? बराबर के या तो इधर या बराबर के इधर। ठीक है, तो A1 हो गया 2, B1 हो गया -3, C1 हो गया 8। ये कहां से निकल के आया? ये ऊपर वाले समीकरण से। इन दोनों को क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा। इन दोनों को क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा। जोड़ा इसलिए दो है ना, अरे भाई ऊपर का एक नीचे का एक, दो हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा। तो ऊपर वाले में से इस जोड़े के ऊपर वाले समीकरण से A1, B1 और C1 मिलेगा। A1, B1 और C1 को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। किसका? ऊपर वाले समीकरण का। A2, B2 और C2 किसका हो जाएगा? नीचे वाले समीकरण का गुणांक। अब इन्हीं गुणांक का अनुपात कर देते हैं। इन्हीं गुणांक का क्या करते हैं? अनुपात। अनुपात कैसे? अनुपात लगाने के लिए यहां पे बटा का साइन लगाएंगे, लगाएंगे ना। तो जो यहां पे अनुपात कर देंगे और उन अनुपातों का तुलना करेंगे, तुलना करके हम बताएंगे कि ये चीज संगत है या असंगत है, ये जो समीकरण है संगत है या असंगत है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते कौन सा आ रहा है। अगर मान लो पहला वाला आया, पहला वाला यदि आया तो ये क्या कहलाएगा? संगत। दूसरा वाला आया तो क्या कहलाएगा? असंगत। दूसरा वाला दिख रहा ना कैसा है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो क्या हो जाएगा? असंगत। तीसरे वाले में क्या दिख रहा है? तीनों बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब ये क्या हो जाएगा? ये भी संगत के संगत आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो देखते कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर वाले को चेक करो। तो A1/A2 क्या मिल रहा है? 2/4, यानी कि काटे इसको कट किए तो 1/2। अब कौन सा चेक करेंगे? B1/B2। दूसरा वाला क्या चेक करेंगे? B1/B2। ये क्या आ रहा है? -3/-6। हल किए क्या आया? 1/2। ये भी 1/2 ही आया। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2। C1/C2 निकालू, ये क्या आएगा? 8/9। तो अब साफ साफ दिख रहा है कौन सा वाला आया, पहला दूसरा तीसरे में से कौन सा आया। देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, यानी दोनों बराबर। और C1/C2 क्या है? बराबर नहीं है।
तो कौन सा आया, पहला आया, दूसरा या तीसरा आया? देखो दूसरा है ना, दूसरे वाले में क्या है, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं सी वन बटा सी टू, तो वो क्या हो जाएगा, असंगत। तो यानी कि ये जो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो जोड़ा है, ये कैसा होगा, असंगत, असंगत होगा। और असंगत होता है तो और भी यहाँ पे कुछ चीज सीख लेते हैं। जब असंगत होता तो क्या होता है, तो जब कोई रैखिक युग्म का, रैखिक युग्म इसको बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक युग्म बोल लो या दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा बोल लो, एक ही बात, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए, असंगत आ जाए, तो इसका कोई हल होगा क्या? कोई हल नहीं होगा, असंगत में कोई हल नहीं, असंगत में कोई हल नहीं। समझ में आया, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ यानी कि आलेख कैसा होगा, तो जब असंगत आएगा ना, तो आलेख इसका ऐसा बनेगा, दो ठो पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। समझ में आया, असंगत होने पे जो आलेख खींचेंगे वो आलेख कैसा होगा, दो समांतर रेखा। कल का वीडियो अगर देखा होगा तो तुम्हें बता दिया मैंने कि रैखिक समीकरण से, रैखिक समीकरण से जो ग्राफ बनता है यानी आलेख बनता है वो एक रेखा होती है। क्या होती है, एक रेखा होती है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ दो रेखा कैसे आ गई, तो यहाँ पर दो समीकरण है, तो दो समीकरण है तो दो रेखा होगी कि नहीं होगी, लेकिन इन दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। क्यों समांतर होगी, क्योंकि ये असंगत है, असंगत में वाले असंगत आता है तो कैसा रेखा होता है, समांतर। और यहाँ पे कोई हल नहीं होता, हल होने के लिए दोनों रेखा को कटना होना चाहिए, कटनी चाहिए, दोनों रेखा कटनी चाहिए। अगर दोनों रेखा नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं कट रहा ना दोनों रेखा, तो कोई हल नहीं हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा वाला सवाल देखते हैं, पहले पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल। इसमें भी इसी प्रकार A1 क्या होगा भाई, तीन, A1 हो गया तीन, दूसरे वाले में A1 तीन हो गया, B1 क्या होगा, Y नहीं होता, Y के पीछे का अंक होता है, तो क्या है, माइनस एक, और C1 क्या हो गया भाई, दो, ठीक है। A2 क्या हो गया, छः, B2 क्या हो गया, माइनस दो, और C2 क्या हो जाएगा, चार होगा ना। अब देखो A1 बटा A2 लिखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, तीन बटा छः यानी एक बटा दो, अरे भाई एक बटा दो ही मिलेगा ना। B1 बटा B2 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का एक बटा माइनस का दो, तो एक बटा दो मिला। और C1 बटा C2 करते हैं तो क्या मिलेगा, C1 बटा C2 पे क्या मिलेगा, C1 बटा C2 पे देखो, C1 बटा C2, C1 क्या है, दो, और C2 क्या है, चार, तो दो बटा चार यानी ये भी एक बटा दो आ गया, ये भी एक बटा दो, यानी कि देखो A1 बटा A2 बराबर हो गया ना B1 बटा B2 के, बराबर हो गया ना C1 बटा C2 के। तो देखो तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है, तीसरा वाला है ना, तीसरा में क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो वो क्या होता है, संगत। तो अब इस समीकरण को, ये जो रैखिक समीकरण है उसका जोड़ा, रैखिक समीकरण का दो जोड़ा है, ये कैसा होगा, संगत, ठीक है। तो संगत होगा तो कोई ना कोई हल होगा, संगत होगा तो हल होगा। अब यहाँ पे कैसा हल होगा, संगत तो ये भी है, संगत तो ये भी है, लेकिन जब संगत में ऐसा आ जाए, अनुपात का जो तुलना करें और तीनों अनुपात बराबर आ जाए, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम अनुपात निकाल रहे हैं और तीनों के तीनों अनुपात बराबर आ जा रहा है, तीनों के तीनों अनुपात समान आ जा रहा है और संगत आ रहा है, अनुपात बराबर होगा तो संगत है, तो संगत हो रहा है, तो इस केस में जो हल होगा, इस वाले केस में जो हल आएगा, हल तो आएगा, मैंने पहले बोल दिया कि संगत होगा तो हल आएगा, हल कैसा आएगा, अनेक हल आएगा। समझ में आया, तीनों जब बराबर हो गए तो अनेक हल होगा, समझ में गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे, यहां पर तो इस वाले पहले वाले सवाल में क्या पूछा है, संगत और असंगत पूछा है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितना हल होगा बताओ, तो कितना हल हो जाएगा, यहाँ पे अनेक हल हो जाएगा। इस वाले समीकरण का जो रैखिक युग्म
इसको बोलेंगे ना, देखो जोड़ा को युग्म भी बोलते हैं, इसको रैखिक युग्म बोल दो या फिर बोल दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा। तो इसका हल कितना होगा? अनेक हल होगा। हल कितना होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब भाई अनेक हल होगा सर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, आलेख कैसा बनेगा? तो मैंने पहले बोला था कि आलेख तो रेखा ही बनेगी। आलेख क्या बनेगी? रेखा। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेखा क्यों बनेगी, तो मैंने बता दिया ना कि ये समीकरण है। कैसा? रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है, आलेख खींचते हैं, वो एक रेखा होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? रेखा होगी। तो इससे भी रेखा बनेगी, इससे भी रेखा बनेगी, बनेगी ना भाई। तो यहां पे जो रेखा बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, मतलब इसी के ऊपर बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई दो रेखा एक दूसरे को एक बार काटती है तो एक हल होता है, और यहां पे तो मैंने क्या बोला? अनेक हल होगा। तो यानी रेखा दूसरी रेखा को बार बार काट रही है, तो यानी कि ये रेखा इसी के ऊपर बनेगी, अनेक हल हो गया। समझ में आया? तो इसका जो आलेख तुम खींच के देखना, घर पे बैठ करके खुद खींच के देखना, तो इसका जब तुम आलेख खींचोगे ना, तो एक ही रेखा आएगी और उसी पर दूसरी वाली रेखा भी आ जाएगी। करके देख लेना। हल करने का तरीका मैंने बता दिया। कैसे हल करते हैं? टेबल बनाते हैं, टेबल टेबल बना करके एक्स और वाई का मान निकालते हैं और उसको रखते हैं बारी बारी से, बिंदु किस पे? अक्ष पे, वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे, और फिर उसको बिंदु को मिलाते तो एक रेखा बन जाती है। करके देखना, यही वाला आएगा, ऐसा ही आएगा रेखा। अरे भाई अगर मान लो वहां पे ऐसा आया, तो ये भी तो एक रेखा ही है, और इसी रेखा पे दूसरी रेखा आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, समझ में है ना? ऐसे मत सोचना कि सर आपने बता दिया तो ऐसे ऐसा रेखा नहीं, ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है, बट रेखा ही बनेगा। लेकिन वो रेखा ही बनेगी और उसी रेखा पे दूसरी वाली रेखा भी बनेगी, क्योंकि इसका अनेक हल है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसे रफ कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर वन और टू किए थे ऊपर वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर पूछा जाए ए वन कितना है, तो दो होगा। ठीक है, और बी वन कितना है, तो माइनस का दो होगा। माइनस का दो है ना, वाई के पीछे अंक जो है वो बी वन हो गया, और सी वन क्या है? दो हो गया। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई? ए वन ऊपर वाले से, ए वन बी वन और सी वन ऊपर वाले समीकरण से मिलेगा, और ए टू बी टू और सी टू नीचे वाले समीकरण से मिलेगा। तो ए टू क्या है? चार। ठीक है, बी टू क्या है? माइनस चार। और सी टू क्या है? पांच। अब यहां पे चेक करेंगे तो ए वन बटा ए टू क्या मिलेगा हमें? दो बटा चार, यानी कि एक बटा दो। B1 बटा B2 क्या मिलेगा हमें? माइनस का दो बटा माइनस का चार, क्या आ गया? एक बटा दो। और C1 बटा C2 क्या मिल गया? दो बटा पाँच। तब अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, A1 बटा A2 क्या है? एक बटा दो। B1 बटा B2 क्या है? एक बटा दो। C1 बटा C2 क्या है? दो बटा पाँच। तो अब बताओ इनमें से कौन सा कंडीशन लगेगा? सेकेंड वाला लगेगा ना। अरे भाई सेकेंड वाला लगेगा, देखो ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू के, और बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असंगत। तो ये जो दो समीकरण का जोड़ा है, रैखिक समीकरण का जोड़ा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। और अभी अभी मैंने बताया था जब असंगत होगा तो इसमें आलेख कैसा बनेगा? पैरेलल समांतर रेखा बनेगी दो, और कभी दोनों रेखा कटेगी नहीं, क्योंकि समांतर रेखा कभी कटती नहीं है, और जब समांतर रेखा कभी कटेगी नहीं तो कोई हल नहीं आएगा। यहां हल क्या हो जाएगा? जीरो, कोई हल नहीं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है फोर, वो इसका तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर, वन का फोर्थ कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा कंडीशन आएगा। तो यहां पे ए वन की बात करें तो ए वन क्या है भाई? चार बटा तीन है ना। बी वन क्या है? दो है। सी वन क्या है? आठ। ए टू दो होगा, बी टू तीन होगा, और सी टू बारह होगा। इसमें अनुपात करेंगे चेक, ए वन बटा ए टू क्या होगा भाई? चार बटा तीन, देखो चार ऊपर में आ जाएगा, चार बटा तीन बटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? चार बटा छः हो जाएगा ना। काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? दो बटा तीन आएगा। अरे भाई दो बटा तीन ही आएगा ना काटेंगे तो, दो बटा तीन। अब बी वन बटा बी टू किए तो दो बटा तीन ही है,
b1 बटा b2 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और c1 बटा c2 करेंगे तो क्या आएगा, 8/12। इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2/3। 4 से काटेंगे तो देखो तो क्या आ गया, 2/3, 2/3, 2/3, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या आ गया, तीनों की तीनों बराबर आ गया। तो कौन सा लग गया इसमें समीकरण, संगत वाला आ गया, मतलब ये वाला ये जब अनुपात का तुलना किए तो कौन सा कंडीशन आ गया, संगत वाला। तो ये भी क्या कहलाएगा, संगत। और अभी मैंने बता दिया था संगत जब होगा और ये वाला कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन, तो उस केस में कैसा हो जाएगा, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा बनेगी, इसका आलेख एक ही रेखा पे दूसरी रेखा बनेगी। और इसमें हल कितना होगा, अनेक हल होगा। पहला वाला नहीं आया, पहला वाले के लिए कोई सवाल ले लेते हैं हम लोग, 2x + 3y = 4, 3x + 2y = 5। अब इसको चेक करो तो इसमें देखो क्या आएगा, 3/2 a1 बटा a2 आएगा ना, अरे भाई a1 a2 3/2, b1 बटा b2 क्या आएगा, 3/2, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी गलती हो गया, 2/3। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, संगत। जब ये वाला कंडीशन आएगा तो संगत हो गया, और संगत हो गया समीकरण, ये दोनों समीकरण संगत हो चुका है, तो इसका आलेख कैसा बनेगा, एक रेखा बनेगी, पहले वाले का भी एक रेखा बनेगी, दूसरे वाले का भी एक रेखा बनेगी, लेकिन दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी। तो इसका हल कितना होगा, तो देखो एक बार काट रही है इसलिए एक हल होगा, ठीक है ना, एक हल होगा इसका। यहां तक बात समझ में आ गई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल एवं हल की प्रकृति बताना है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको ग्राफ के मेथड से हल करना, ग्राफ की मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफ का मेथड कौन सा है, वही जो अभी हम लोग पढ़े थे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ये वाला कंडीशन पढ़े थे ना, a1 बटा a2 ≠ b1 बटा b2, दूसरा क्या था, a1 बटा a2 = b1 बटा b2, c1 बटा c2 बोलना नहीं है, तीसरा a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। तो ये जो विधि है ना, इसी को कहते हैं ग्राफीय विधि। अब ग्राफ भी यहाँ पे बनाना है, मतलब देखो ग्राफ भी यहाँ पे बनाना है, ये तो अनुपात वाला हो गया ना, अनुपात वाला, और यहाँ पे ग्राफ भी खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचना है, ये मैंने पिछले दोनों वीडियो में बता दिया है, फिर से अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ग्राफ कैसे खींचना है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यही सब विधि लगेगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले प्रकृति निकाल लेते हैं, हल की प्रकृति। तो हल की प्रकृति हम लोग निकालने के लिए a1 देखेंगे, a1 कितना है भाई, 1, b1 कितना है, 1, c1 कितना है, 3, a1 b1 c1, a2 देखो, a2 x का पीछे वाला गुणांक कोफिशियंट, x के पीछे वाला कोफिशियंट 3 है, तो a2 क्या हो गया, 3 कोफिशियंट, को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। b2 क्या है भाई, माइनस का 2 है ना, देखो माइनस का 2, बार बार बोला है ना मैंने कि जो भी साइन होगा उसके साथ लेना है। और c2 क्या है भाई, c2 है 4, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे चेक करोगे तो a1 बटा a2 = b1 बटा b2 नहीं आएगा, आएगा क्या, देखो a1 बटा a2 = 1/3, अब b1 बटा b2 क्या होगा, 1/-2 होगा ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो समझ जाओ ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, अर्थात इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा यहाँ पे, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अभी देखते हैं हम लोग, ग्राफ ऐसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि एक बार ग्राफ कट रहा है एक दूसरे को, तो एक हल होगा। अब हम लोग इसको ग्राफ पे देख लेते हैं, ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा था हल की प्रकृति, तो हल की प्रकृति कैसा होगा, एक हल होगा, कितना हल होगा, एक हल, क्योंकि ये वाला जब कंडीशन आता है ना तो वहां पे एक हल होता है। और संगत होगा या संगत होगा,
संगत होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि एक बार कट चुका है, एक बार भी कट गया यानी एक हल आ गया, एक बार भी कट गया यानी एक हल आ चुका है, और एक हल आ गया तो वो संगत, तो ये क्या होगा? संगत। ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम लोग ग्राफ इसका खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई? तो बहुत सरल है, हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे, ऊपर वाले समीकरण का समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, इन दोनों का क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं? इसी तरह से बनाते हैं ना, नाइन्थ क्लास में बनाए होंगे। ठीक है, एक्स और वाई, यहां पे देखो क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर तीन। तब एक्स का मान एक बार जीरो रखेंगे, एक्स का मान क्या लेंगे, जीरो, तो एक्स को जीरो ले लिए, तो यहां जीरो रखो, तो जीरो प्लस वाई बराबर तीन, तो वाई बराबर क्या आ गया भाई, तीन। तो वाई के बॉक्स में क्या लिखेंगे, थ्री। ठीक है, अब हम लोग वाई को जीरो ले लेते हैं, वाई को जीरो ले लिए, तो एक्स प्लस जीरो बराबर थ्री, तो एक्स बराबर क्या आ गया, थ्री, यानी वाई जीरो लेने पे एक्स थ्री आ गया। देखो हमें ऐसा मान निकालना है ना, इंटीजर वैल्यू निकालना है, समझ में आया, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं आना चाहिए, ऐसा मान निकालेंगे जो भिन्न ना हो। तो अभी तो जीरो लेने पे आ गया, मान लो जीरो लेने पे नहीं आता, कुछ और लेते संख्या। ठीक है, तो एक्स का मान आ गया जीरो और तीन, और वाई का मान, ये देखो सॉरी, एक्स का मान आ गया जीरो और तीन, और वाई का मान आ गया तीन और जीरो। जब एक्स जीरो होगा तो वाई क्या होगा, तीन, जब एक्स तीन होगा तो वाई क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे वाले का भी हम बनाएंगे ये वाला टेबल। ठीक है, तो दूसरे वाले का बनाएंगे तो यहाँ लिख लेते, दूसरा वाला समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4, इसका टेबल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, x और y। ठीक है ना, अब हम x को जीरो करते हैं, x को जीरो, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो 3 गुना जीरो माइनस 2y बराबर का 4, तो ये तो ये जीरो है, तो ये खत्म, जीरो क्या कट गया। अब ये क्या बचा, माइनस 2y बराबर 4, तो y को यहाँ छोड़ देंगे, ये देखो माइनस टू भाग में चला जाएगा ना, गुना है ना, गुना तो भाग में कितना आएगा, माइनस छः हो जाएगा भाई, दो चार है तो चार बटा दो होगा ना, चार बटा माइनस का दो होगा ना, भाग लग जाएगा ना, तो ये कट के कितना आएगा, माइनस का दो आएगा ना, माइनस का दो। ठीक है, तो y क्या आ गया, माइनस का दो, x आ गया जीरो, x जब जीरो है तो y क्या है, माइनस का दो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला भी हल निकालते हैं, एक और इस वाले बॉक्स के लिए। तो इस बार x का मान क्या ले लेते हैं, माइनस का दो ले, माइनस का दो तो हो गया, एक्स का मान माइनस का दो ले लो, वाई का मान, एक्स का मान जीरो लिए थे ना, अब एक्स का मान क्या ले लो, दो ले लो, एक्स का मान दो। ठीक है, एक्स का मान दो लो, तो एक्स का मान जब दो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तीन गुना दो माइनस दो वाई बराबर का चार। तो देखो ये कितना हो गया, छः हो गया ना, छः माइनस दो वाई बराबर का चार। अब देखो ये छः छः और दो वाई माइनस में है ना, तो छः के पीछे क्या साइन है, प्लस, तो छः उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का दो वाई बराबर चार माइनस का छः होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऊपर कर दे रहे हैं इसे हल, ठीक है ना, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो क्या आ गया भाई, माइनस का दो वाई और चार माइनस का छः, ये कितना हो गया, माइनस का दो वन भाई हल्की, तो और ये माइनस का दो वाई, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर क्या है, दो बटा दो आया ना, क्या आ गया, एक आया ना, अरे भाग लग जाएगा, गुना है तो भाग लगेगा, अभी बताया ना मैंने, गुना में है तो भाग लगेगा, और जोड़ या माइनस में है तो उधर जाके साइन माइनस से जोड़ का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाई क्या आ गया, एक, जब एक्स क्या लिए थे, दो, तो एक्स दो लिए थे तो वाई आया एक, समझ में आया यहाँ तक। अब हम इन, ये जो बिंदु हमें मिला है ना, इन बिंदु को किस पे रखेंगे, अक्ष पे रखेंगे, और अक्ष पे रखेंगे तो जो हमसे आलेख मिलेगा, आलेख तो हम लोग पहले ही पता कर लिए, इसका आलेख कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना भाई, प्रतिच्छेदिक, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो देखो बनेगा इसका। अब हम ये कर चुके, ये मैंने बता दिया, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आलेख इसका बनाते हैं, ठीक है ना, इसका आलेख बनाएंगे तो हमें पहले क्या बनाना होगा, वाई अक्ष बनाना होगा ना, और क्या बनाना होगा, एक्स अक्ष,
ठीक है, स्केल से जब खींचेंगे तो एकदम सीधी सीधी रेखा आएगी। यहाँ पे देखो ये हो गया जीरो, ये इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, और इसको वाई डैश, और ये होता है ऑरिजिन, मूल बिंदु ओ, ठीक है जीरो जीरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार पाँच छः, इधर करते तो एक हो जाएगा, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार, ठीक है ऐसे ही बनाते जाना। इधर क्या आएगा, माइनस का एक, इधर सॉरी इधर क्या आ जाएगा, माइनस का दो, इधर आ जाएगा माइनस का तीन, इधर आ जाएगा माइनस का चार, इधर आएगा माइनस का एक, इधर माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ठीक है। अब देखो x जब जीरो है तो y क्या है, x जब जीरो है तो y क्या है, तीन। तो x जीरो किस पे मिलेगा, y अक्ष पे, और y कितना है तीन, तो कौन सा बिंदु आ गया, ये वाला बिंदु आ गया ना। अरे भाई ये वाला बिंदु आ गया, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, जीरो और थ्री, ठीक है। x जब तीन है तो y क्या है, जीरो। x तीन कहाँ पे होगा, x अक्ष पे, और y जीरो कहाँ होगा, x अक्ष पे। तो ये वाला बिंदु आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला क्या हो गया, तीन और जीरो। ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे अभी रेखा बनाएंगे इसलिए दूर लिख रहा हूँ मैं, ये वाला बिंदु ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसका मार्क करते हैं, इसका यहाँ पे लगाते हैं मार्क, क्या है जीरो और माइनस टू, एक्स क्या है जीरो, वाई क्या है माइनस टू। तो देखो एक्स जीरो किस पे होता है, वाई अक्ष पे, और वाई के माइनस टू है, तो यहाँ पे बनेगा ना भाई, यही होगा बिंदु, ये हो गया। पहले इसको इसको स्केल से मिला लेते हैं, जो ये हमें पहले मिला इसको मिला लेते हैं स्केल से, इसको स्केल से मिला लेना, ठीक है। ये जो अक्ष है ये कौन से इक्वेशन का है, कौन से समीकरण का, इस वाले समीकरण का, इसको यहाँ पे लिख दो, ये इस कौन से समीकरण का, एक्स प्लस, एक्स प्लस वाई बराबर तीन का। चलो अब इसका करते थे, जीरो और माइनस दो, तो एक ये रहा बिंदु, ये वाला बिंदु क्या हो गया, जीरो और माइनस का दो, ठीक है ना। ये क्या है, दो और एक, तो एक्स क्या है दो, और वाई क्या है एक। तो देखो तो ये वाला आएगा ना, अरे भाई ये वाला आएगा ना, ये वाला। तो जब हम इसको मिलाएंगे, देखो यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये रेखा कैसे जाएगी, ऐसे होकर के जाएगी कि नहीं जाएगी, इसको मतलब ये वाला बिंदु पे तो छुएगी, इस ये बिंदु कौन सा है, दो और एक है, ठीक है। देखो अभी हम लोग सीधा नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर हम सीधा करेंगे ना तो देखेंगे क्या, ये इसी बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगी रेखा, हम लोग इस स्केल से नहीं मिला रहे ना, स्केल से मिलाएंगे ना तो एकदम सीधा सीधा इसी से जाएगी, दो और एक से ही होके जाएगी, दो और एक से होके जाएगी, जो रेखा है दोनों दो एक से जाएगी। पर देखो कैसा रेखा बन गया, प्रतिच्छेदी की रेखा बन गई ना, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग निकाले थे, इसका जो हम कंडीशन निकाले थे, ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, जब स्केल से तुम बनाओगे तो सीधा सीधा दो और एक से ही जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब हल इसका क्या होगा, एक हल होगा, और वो कौन सा है, दो और एक होगा। तुम दो और एक को रख करके देख सकते हो, देखो दो प्लस एक क्या हो गया, दो, दो और एक है, आया ना, मैंने कहा ना दो, दो और एक क्या होगा, हल होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा कहाँ पे कट रही है, दो और एक पे। तो तुम देखो दो और एक रखेंगे ना तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, देखो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, तीन है, और दो एक्स की जगह पे क्या रखना है, दो, और वाई की जगह पे क्या रखना है, एक। तो देखो तो क्या आ गया, तीन बराबर तीन आ गया, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। मतलब ये वाला जो सर ने बोला है अभी कि दो और एक, ये क्या है, हल हो गया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इस पे रख के चेक करो, इस वाले पे रखो दो और एक को, तो चलो इस वाले पे रखते हैं, तो थ्री टू हो गया, माइनस टू वाई की जगह पे कर देंगे एक बराबर चार, क्या आएगा, छ माइनस का दो बराबर चार, क्या गया, चार बराबर चार आ गया ना, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो देखो तो ये जो समीकरण, ये जो हल आया, ये दोनों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर दे रहा है। संतुष्ट करने का मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हो गया इसका हल, इस वाले समीकरण का हल क्या हो गया, दो और एक। तो क्या बोला था, निम्न रैखिक समीकरण की युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हल कर दिए ना, हल क्या आया, दो और एक, क्योंकि दो और एक दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस हो रहा है, जब इस मान को रख रहे हैं तो। और इसका आलेख कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदिक क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये वाला कंडीशन आएगा तो प्रतिच्छेदिक बनेगा। तो बाकी का बचा दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये बना के रखो, घर से होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, और कल करेंगे बाकी का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।